आदरणीय मायावती जी, आदरणीय चौधरी संघ जी, चौधरी अजीत सिंह जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित सभी बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतागण, समाजवादी पार्टी के नेतागण, राष्ट्रीय लोकदल के नेतागण, दूर दराज से आशीर्वाद देने आए सभी हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ और आपको नमन भी करती हूँ। और विशेष धन्यवाद पत्रकार बंधुओं का भी दूंगी जो आज यहाँ पे आए हैं। आज देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। पिछले 5 सालों से देश और समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा ने सत्ता के लालच में देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल के रख दी है। हम रोज किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये हम रोज लगातार देखते आ रहे हैं। भाजपा जानती है अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है उस समाज की शिक्षा और रोजगार से वंचित कर दीजिए उस समाज को। इसी साजिश के तहत पिछड़ों और दलितों के बच्चों को उच्च शिक्षा रोजगार से वंचित करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भाजपा के 5 साल के शासनकाल में राजनीति का एक नया ही रूप देखने को मिला है। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपाई कोई भी मर्यादा लांघ सकते हैं और इन पे सभी मर्यादा पार कर ली गई हैं इनके द्वारा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनावी गठबंधन कर रहे हैं, जो मैं समझती हूँ देश हित में एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। गठबंधन करके उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है वो वास्तव में हम सभी की प्रशंसा के लायक है। मुझे याद है कि इसी साल 12 जनवरी को जब प्रेस वार्ता हुई थी आदरणीय मायावती द्वारा और अखिलेश जी द्वारा गठबंधन के विषय में, तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि अखिलेश जी ने जो बात कही थी और जो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि आज से मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और मायावती जी का अपमान मेरा अपमान है। मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने आदरणीय मायावती जी को वही सम्मान दिया है जिस सम्मान की वे हकदार रही हैं शुरू से। देश की वर्तमान राजनीति में अनेक महिलाओं ने बुलंदियों को छुआ है, परंतु हम सभी आदरणीय मायावती जी के संघर्षमय जीवन से बहुत प्रभावित रहे हैं और खासकर मैं बहुत प्रभावित रही हूँ मायावती जी के संघर्षमय जीवन से। कन्नौज के इस मंच से मैं देश की जनता से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। देश की वो एकमात्र कौन सी महिला है जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है, परंतु अपने पक्के इरादे और संघर्ष के बल पे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी है वे। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, वे कौन सी महिला है, वे कौन सी ऐसी महिला नेता है जिन्होंने देश हित के लिए तथा सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर करने के लिए ऐतिहासिक गठबंधन का फैसला लिया है। आप अगर इन सवालों के जवाब में अपने दिल से पूछेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपके दिल से सिर्फ एक ही नाम निकलकर सामने आएगा और वह नाम है हमारी आदरणीय मायावती जी का। छल, कपट, धोखा, विश्वासघात और अत्याचार करने वाली भाजपा की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए
देश हित में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के सम्मानित और हमारे कन्नौज के सभी जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, उनसे, उन मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय का साथ दें और नफरत की राजनीति करने वालों को हराकर लोकतंत्र को, संविधान को बचाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।